दोस्तों, आपको पता होगा कि 2 अगस्त को मोदी जी द्वारा एक नया पेमेंट प्लेटफॉर्म चालू किया है, जिसका नाम है ई रूपी। ये यूपीआई की तरह ही काम करेगा, बट यूनिक होगा। इसमें चोरी नहीं हो पाएगी, जिस काम के लिए दिया है उसी के लिए यूज़ होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये आखिर वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, ई रूपी एक्चुअल में यूपीआई का एडवांस फॉर्म है। ई रूपी 2 अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ और यूपीआई 11 अप्रैल 2016 में। तो इन दोनों एप्लीकेशन को एनपीसीआई ने बनाया है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, एनपीसीआई देश में जितना भी ऑनलाइन पेमेंट होता है वो एनपीसीआई के कंट्रोल में होता है। अब हम बात करेंगे कि ये आखिर कैसे काम करता है। पहले के टाइम में आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक के लिए कुछ भी भेजा जाता था वो पूरा हम लोग तक नहीं पहुंचता था। जैसे कि गवर्नमेंट ने 100 रुपये भेजे मगर 50 रुपये ही हम तक पहुंचते थे। लेकिन अब सारी पेमेंट क्यूआर कोड के थ्रू होगी, यानी क्विक रेस्पॉन्स। अब गवर्नमेंट आपको उतने रुपए का क्यूआर कोड भेजेगी और वो क्यूआर कोड वही यूज़ होगा जिसके लिए गवर्नमेंट ने आपको दिया है।